हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैक्स। हम लोग आज करने जा रहे हैं सुपरटेट का सेट नंबर 8। तो 7 सेट्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और आज 8 करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अब इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके कर लीजिए। क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड हैं, अब धीरे धीरे आप लोगों का लेवल बढ़ाएंगे हम। और आज आपकी जानकारी लिए बता दूं, जैसा पिछली बार मैंने कहा भी था कि मैं एक एक करके धीरे धीरे जो पोएम अब जो पैसेज है वो प्रोज का और पोएम का मिक्स करके देंगे। तो आज मैंने पोएम का पैसेज दे रखा है क्योंकि मुझे आशा है थोड़ी सी, मतलब 70% पॉसिबिलिटी ये है कि प्रोज का ही पैसेज पूछा जाएगा, लेकिन 30% इस बात का भी शक है, शंका है मुझे कि हो सकता है पोएम का पैसेज पूछ लें। तो इसलिए मैं एक एक करके एक पोएम का, एक प्रोज का, एक पोएम का, एक प्रोज का, इस तरह से दोनों का पैसेज कराते चलूँगा। और हम लोग इतना कर लेंगे, हफ्ते में 2 भी आप करते रहेंगे सेट तभी बहुत है, ठीक है। लेकिन पीडीएफ पहले करिएगा, डिस्कशन बाद में देखिएगा। अगर आप तक आपने अभी तक पीडीएफ नहीं डाउनलोड करके सॉल्व किया है तो पीडीएफ से आप क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लीजिए, अपने आंसर लिख लीजिए, फिर मैं जो डिस्कशन कराऊंगा तो उसे अपने आंसर मिला लीजिए, जो गलत होते हैं या जिसमें आपको डाउट है, जो गलत होते हैं जब मैं डिस्कस कराऊंगा, अगर उसमें क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर होता है तो मैसेज करके पूछ लीजिए, ठीक है, और आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। या अगर ज़्यादा डाउट होगा तो उसे रिलेटेड जो रूल्स वगैरह होंगे वो भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना पोएम का ये पहला वाला। तो देखिए पोएम के बारे में, हम पोएम की मीनिंग वगैरह बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे पोएम की मीनिंग? पोएम की मीनिंग इसलिए नहीं बताएंगे कि अगर हम मीनिंग बताते चलेंगे तो फिर आपको पैसे सॉल्व करने में मज़ा कैसे आएगी। तो जैसा प्रोज वाला किया जाता है वैसे पोएम वाला भी किया जाता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बाद में पैसेज पढ़ने पर आइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाई हैज़ द पोएट कॉल्ड द ग्रास कन्वीनियंट। पोएट ने ग्रास को कन्वीनियंट क्यों कहा है? तो जब भी ग्रास का जिक्र होगा पोएम में तो हम लोग वहाँ थोड़ा सा रुक के आराम से देखेंगे, पूरी पोएम में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आप टाइम वेस्ट करेंगे, आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है पोएम का कि आप एक एक स्टेंजा को अच्छे से अर्थ समझते एक्सप्लेन करते चलें। पोएम पढ़ते चले आइए, पोएम की थीम आपके दिमाग में बैठते चली जाएगी। जहां आपका क्वेश्चन फंसता है उस स्टेंजा को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा बस। और अगर कोई क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी बात अलग है। तो पहले इसीलिए तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि कितने इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, व्हाई हैज़ द पोएट कॉल्ड द ग्रास कन्वीनियंट, पोएट ने ग्रास को कन्वीनियंट क्यों कहा है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। वैसे व्हाई वगैरह का आंसर होता तो डायरेक्ट ही होता है, ठीक है। तो ग्रास को कन्वीनियंट कहने का क्या कारण था, आप अपने दिमाग में इस बात को फीड करिए कि ये क्वेश्चन क्या था, ग्रास को कन्वीनियंट कहने का कारण क्या है, ठीक है। दिमाग में ये बात को रखिएगा, बहुत अच्छे से रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको फिगर ऑफ स्पीच पहचानना है। पोएम का अगर पैसेज हुआ तो मोस्ट प्रोबेबल है कि एक क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से हो सकता है, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच इन्होंने किसमें पूछा है, दे लुक्ड लाइक फ्राइटेंड बीड्स, दे लुक्ड लाइक फ्राइटेंड बीड्स। ये क्वेश्चन तो आप बिना पैसेज को पढ़े ही कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, इसमें लिखा हुआ है लाइक और लाइक लगा है तो क्लियर है कि क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन का हमें आंसर ढूंढना है और वो क्वेश्चन क्या है कि ग्रास को कन्वीनियंट क्यों कहा गया है। हम पोएम को पढ़ते जल्दी जल्दी आ जाएंगे नीचे, जहाँ पर ये बात मिलेगी वहीं पे आंसर ढूंढेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला स्टेंजा क्या है, अ बर्ड केम डाउन द वॉक, ही डिड नॉट नो ऐसा। लिखा है ही बिट एन ईगल, ही बिट एन एंगल वर्म इन हाफ एंड एट इट फेलो एंड एट द फेलो रा, ठीक। एंड देन ही ड्रैंक अ ड्यू फ्रॉम द कन्वीनियंट ग्रास। ये मिल गया हमको, हमारा आंसर यही मिल गया, ठीक है। क्या मिला, एक बर्ड है वो उतरती है नीचे, उसने एक वर्म को खा लिया, कच्चा खा लिया, ये रा लिखा है, कच्चा खाया। उसके बाद ड्रैंक द ड्यू, ड्यू का मतलब क्या, ओस की बूंद उसने पिया। फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास, किससे,
एक कन्वीनियंट ग्रास थी, वहीं से उसने एक बूंद क्या कहते हैं ओस की उसने पी, ड्यू मतलब ओस की बूंद पी। एंड देन होप्ड साइडवाइज, उसके बाद बर्ड उछक उछक के, बर्ड्स कैसे चलती हैं, ये कूद के यहाँ गई, 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 तो उछल उछल दोनों पैरों से उछल उछल के कूद कूद के चलते हैं, उसी को होप कहते हैं। जैसे मेढक कूदता है तो मेढक का कूदना और देखो चिड़िया वगैरह का कूद कूद के चलना, वो एक ही जैसे, तो उसको होप कहते हैं। देन होप्ड साइड वाइज टू द वॉल, उसके बाद उचक के कहाँ चली गई, दीवार पर चढ़ गई, टू लेट द बीटल पास, और उसने फिर बीटल को वहाँ से जाने दिया, पास होने दिया, मतलब भूख लगी थी तो एक वर्म को खा लिया, जब उसको भूख नहीं थी तो बीटल को जाने दिया, पास कर दिया। कन्वीनियंट ग्रास को कन्वीनियंट क्यों कहा गया है, बस ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ तो साफ साफ कुछ देखने को नहीं मिला, बस ग्रास को कन्वीनियंट इसलिए कहा गया है, आंसर सिर्फ इतना सा दिया हुआ है कि ग्रास से उस बर्ड ने एक बूंद ओस पी थी, ठीक है। ग्रास पर जैसे मान लो ये पत्ती है घास की, ये घास की पत्ती हो गई और इस पर कहीं ओस की बूंद थी, और वो पक्षी आता है और इस बूंद को, ओस की बूंद को, पक्षी या पत्ती पे कहीं दो चार बूंद ओस रही होगी, यहाँ से ओस की बूंद को पिया था और पत्ती ने उसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया था, उसको मतलब हड़काया नहीं, डांटा वटा नहीं, पत्ती पर से उसने ओस को पी लिया, बस ठीक है। अब चलिए हम लोग अपना आंसर देखते हैं क्या है। फिगर ऑफ स्पीच वाला कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही मिल जाएगा आंसर, उसके लिए यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वाई हैज़ द पोएट कॉल्ड द ग्रास कन्वीनियंट, अब देखो क्या लिखा है, बिकॉज द बर्ड कुड सी द बीटल इन द ग्रास, क्योंकि बर्ड ने बीटल को ग्रास में देखा था, ये बात नहीं थी जब वो छत पे चढ़ गई, दीवार पे चढ़ गई तब देखा था। अगला लिखा है बिकॉज द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, घास अगले किनारे पर ज़्यादा हरी थी, ये भी आंसर में नहीं था जब हम लोग ये पैसेज पढ़ रहे थे तो। बिकॉज इट वॉज ईजी फॉर द बर्ड टू हैव ड्यू फ्रॉम इट, क्योंकि यहाँ से ड्यू पीना, यहाँ से ओस पीना बर्ड के लिए आसान था, ये बात हो गई। बिकॉज द बर्ड कुड सी द वर्म इन द ग्रास, क्योंकि बर्ड को घास में एक कीड़ा दिखा था, घास का जो यहाँ संदर्भ आया है ग्रास का, तो ग्रास का रेफरेंस किस काम से आया था, ड्यू के संपर्क में आया था, संबंध में, घास से उसने ड्यू पिया था। अब वो ड्यू आप लोग मत समझिएगा अपनी वाली, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ड्यू, हाँ नहीं तो कुछ लोग सोच रहे हैं अरे वाह वो कौन सी घास है जिसमें ड्यू होती है, चलो हम लोग भी ढूंढें। ड्यू ये ओस है, उस पक्षी ने उस घास से ओस पिया था, ठीक है ना, वो जो तुम लोग ड्यू पीते हो वाला ड्यू नहीं है, ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो कौन सा सही होगा, कि बर्ड को उस घास से ड्यू ओस की बूंद पीना आसान लगा था, इसलिए आंसर सही है। इसीलिए ग्रास को क्या कहा गया, कन्वीनियंट, सुविधाजनक, ठीक है, जहाँ से उसको पानी पीने को मिल गया, हो गई बात क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने उसके आगे पैसेज को पढ़ा भी नहीं क्योंकि हमें एक आंसर ढूंढना था, वो आंसर हमको मिल गया, अब उसके बाद टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए कहता हूँ कि पहले क्वेश्चन पढ़िए। हाँ अब ये अलग बात होती कि अगर हमें आंसर लास्ट वाले स्टेंजा में मिलता तो हमें पूरा पढ़ना पड़ता, दूसरे स्टेंजा में आंसर मिल गया काम खत्म हो गया, पूरे पोएम पढ़ के हमें बच्चों को पढ़ाना थोड़े ना है। चलिए फिगर ऑफ स्पीच बताना है, दे लुक्ड लाइक फ्राइटेंड बीड्स, अब यहाँ पे लाइक लिखा हुआ है, आपको याद होगा कि जहाँ भी सो लग जाता है, जहाँ भी लाइक लग जाता है, जहाँ भी एज लग जाता है, जहाँ भी सच लग जाता है, ठीक है ना, तो ये सब कौन से फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, ये सब सिमिली होते हैं, ठीक है, ये सब सिमिली हैं, स्माइल करो सिमिली हो जाएगा, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, ये हो गया सिमिली, हो गई बात क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, और आपका ये तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस, इफ़ेक्टिव लर्निंग कब होती है, अब ये कीवर्ड हो गया आपका इफ़ेक्टिव लर्निंग, कब आती है, जब लर्नर्स आर, तो लर्नर की भूमिका है इफ़ेक्टिव लर्निंग में, लर्नर की भूमिका है, टीचर की नहीं है, तो लर्नर क्या होगा तब इफ़ेक्टिव लर्निंग होगी, लर्नर पैसिव होगा तब इफ़ेक्टिव लर्निंग होगी, पैसिव का मतलब निष्क्रिय होगा, इनएक्टिव होगा, तो अगर लर्नर इनएक्टिव होगा, पैसिव होगा, निष्क्रिय होगा, तो इफ़ेक्टिव लर्निंग नहीं होगी, गलत हो गया। लर्नर क्वाइट होगा तब इफ़ेक्टिव लर्निंग होगी, बिल्कुल नहीं, वो बोलेगा तब, तो अगर वो बोलेगा, वो सवाल पूछेगा तब तो इफ़ेक्टिव लर्निंग होगी, तो लर्नर चुप रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि इफ़ेक्टिव लर्निंग हो रही है।
लर्नर इंटरैक्टिव होगा, इंटरैक्टिव मतलब क्या हुआ, पूरी तरह पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तब इफेक्टिव लर्निंग होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेता है, इसका लर्निंग से क्या लेना देना है, रटे रात भर एग्जाम की तैयारी करे। तो लर्निंग में होगा कि क्लास में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, और ऐसा तब होगा जब वो इंटरैक्टिव होगा, जब वो टीचर के साथ इंटरैक्ट करेगा तभी वो अच्छे से लर्न कर पाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ है जो इसमें पैसिव, इसमें सॉरी कौन सी चीज़ बोले, ये सेंटेंस दिया हुआ है कि रमेश विजिटेड द रेड फोर्ट ऑन हिज ट्रिप टू दिल्ली, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या क्या ध्यान रखेंगे, पहली बात देखिए ये विजिटेड लिखा हुआ है, विजिटेड का मतलब क्या हुआ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, इसकी पैसिव वॉइस बदलना हुआ तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, एक बात ये हो गई। ठीक है ना, तो पहले हमें वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म देखनी है, दूसरी बात क्या देखनी है, एक नतीजा निकला हमें कि वाज के साथ थर्ड फॉर्म ढूंढनी है, एक बात। दूसरी बात है कि रमेश सब्जेक्ट है और रेड फोर्ट ऑब्जेक्ट है, तो जो क्वेश्चन होगा वो रेड फोर्ट से स्टार्ट होगा, चारों में आ गया, तो रेड फोर्ट वाज विजिटेड क्या होना चाहिए, रेड फोर्ट बाद पहले आ जाएगा, रेड फोर्ट वाज विजिटेड हमें ढूंढना है। ठीक है, चलिए तो अब ढूंढते हैं हम लोग आंसर। ठीक है, चलिए तो पहला लिखा है द रेड फोर्ट वाज विजिटेड बाय रमेश ऑन योर ट्रिप टू दिल्ली, देखो यहाँ क्या लिखा है, ऑन योर ट्रिप टू दिल्ली, और यहाँ क्या है, ऑन हिज ट्रिप टू दिल्ली, तो हिज ट्रिप का योर ट्रिप बन जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, एक गलती यहाँ मिल गई। दूसरा है इज विजिटेड, इज विजिटेड नहीं होगा, वाज विजिटेड होगा। तीसरा हैज़ बीन विजिटेड, ये गलत होगा, नहीं होगा। अब ये तो होना चाहिए वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब लिखा है कि रेड फोर्ट वाज विजिटेड, ये आपको वाज विजिटेड मिल गया, ये बाय रमेश भी मिल गया, ये ऑन हिज ट्रिप टू दिल्ली मिल गया, सारे के सारे सेगमेंट इसी के करेक्ट हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। इज दैट क्लियर, ये डी वाला हो गया। ठीक है, ए वाला बहुत क्लोज था, इसमें सब कुछ यहाँ से यहाँ तक तो ठीक ठाक दिया हुआ था, एक जैसा पैसिव में जहाँ ये स्ट्रक्चर है ये एकदम ठीक था, गड़बड़ी आके यहाँ हुई है। ठीक है, तो इसलिए ज़रा देख लीजिएगा, अगर दो दो सही दे रहे हों तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा इसमें, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो जिसे ये इतना एकदम ठीक है और उसका इतना एकदम ठीक है, ठीक है यहाँ तक ठीक है, अगर दोनों का यहाँ तक ठीक है आपको कन्फ्यूजन होगा तो इसके आगे बढ़िए, फिर इसके आगे देखिएगा गड़बड़ी यहाँ कहीं पर मिलेगी, यहाँ कहीं पे मिलेगी, तो यहाँ हिज की जगह पर योर लगाना गलत हुआ, तो इस तरह से ये एलिमिनेट हो पाएगा। ठीक है, चलिए जब ऐसा मिले तो हमेशा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, जरा थोड़ा आगे तक पढ़ के देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती ज़रूर मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, ये आपको फिलर में दिया हुआ है, खाली जगह भरना है, क्या करना है इसका देख लेते हैं। दिया है ईच ऑफ द फोर आर्मी सोल्जर्स, दो चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, एक लगा है ईच और यहाँ लिखा है फोर आर्मी सोल्जर्स, ये फोर आर्मी सोल्जर्स यहाँ आपको प्लूरल दिख रहा होगा और यहाँ आपको वर्ब लगानी है, वो आगे लिखा है रेडी फॉर द मिशन। ठीक है, तो चार सैनिकों में से प्रत्येक मिशन के लिए रेडी था, तो अब इसमें आपको क्या लगाना है, वर लगाना है या आर लगाना है या वाज लगाना है या हैज लगाना है। पहली बात तो ये देखना है कि हमें यहाँ वर्ब सिंगुलर लगानी है या प्लूरल लगानी है, तो जब यहाँ सिंगुलर प्लूरल का मामला आएगा, तो अभी कुछ दिन पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर एक वीडियो डाला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें बेसिक रूल्स हमने कुछ गोल्डन रूल्स समझाए हैं। ठीक है ना, उसमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कवर हो गया है, बस थोड़ी जल्दी से पढ़ाए हैं, 40 मिनट में पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया है मैंने। उसके बाद 40 क्वेश्चन के हमने दो सेट करवाए हैं, 80 क्वेश्चन में इन पूरे की प्रैक्टिस करवाई है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। ठीक है, अब इसमें उसी वाले रूल में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब किसी चीज़ की शुरुआत में ईच ऑफ लग जाता है, ईच ऑफ नहीं कई हैं, एनी ऑफ ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ वन ऑफ नन ऑफ एवरी वन ऑफ, ठीक है इस तरह का कुछ भी लगा हुआ है, तो ईच ऑफ के बाद आप जब प्लूरल नाउन लगाएंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब किसके लिए लगेगी, ईच के लिए लगेगी, और जब आप प्लूरल नाउन के पहले ईच ऑफ लगा देंगे तो जो वर्ब लगाई जाती है वो हमेशा क्या लगाई जाती है, सिंगुलर लगाई जाती है, यहाँ सिंगुलर वर्ब होगी, तो सिंगुलर वर्ब होगी तो वर और आर तो कट गया, ये दोनों तो लगेंगे नहीं। अब आपके पास बचा है वाज और हैज, अब वाज और हैज में क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए इतना हमारा छट गया है, बचा है हमारे पास वाज और हैज, क्या करेंगे, अब यहाँ लिखा है कि रेडी फॉर द मिशन,
रेडी फॉर द मिशन में आप हैज लगा के देखिए, हैज रेडी फॉर द मिशन या वाज रेडी फॉर द मिशन, ये है आपका एडजेक्टिव, ठीक है ना। ये एडजेक्टिव का पोर्शन है। एडजेक्टिव के पहले आप हैज लगाते नहीं, नाउन होता तो लगाते, फिर आपको क्या लगाना होगा, वाज लगाना होगा। तो अब जाके क्लियर हुआ कि हमें इसका जो ऑप्शन देना होगा, आंसर देना होगा, वो सी है। देखिए एक गड़बड़ी हो गई है इसमें कि चार के चारों ऑप्शन ए ए ए ए कर दिया है, वो कॉपी पेस्ट करने में हो गया होगा गड़बड़, ठीक है। ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हुआ इसमें, इसका आंसर हुआ सी, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कह रहे हैं भैया, वी बिलीव दैट यू नॉट हैव डन दिस जॉब, हमें यकीन है कि आपने ये काम नहीं किया है। पूछ क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो ये वाला सेंटेंस है, ये वाला पार्ट है, दैट यू नॉट हैव डन, ये वाला, ये पूछ रहे हैं कि एडजेक्टिव क्लाज है या एडवर्ब क्लाज है या नाउन क्लाज है या कोऑर्डिनेट क्लाज है। तो आपको ये बात मैंने पढ़ाई थी कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक, इनडायरेक्ट नरेशन में जब भी हम लोग सेंटेंस को रिपोर्टेड को जोड़ते हैं, चाहे दैट से जोड़े हों, चाहे इफ से जोड़े हों, ठीक है ना, चाहे कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन डब्ल्यू एच वर्ड से जोड़े हों, इनडायरेक्ट में जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो नाउन क्लाज होती है, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। इनडायरेक्ट की रिपोर्टेड, ध्यान रखिएगा ये बात बहुत कायदे से, क्योंकि सारे दैट वाले एडजेक्टिव क्लाज नहीं होते हैं, नाउन क्लाज नहीं होते हैं। दैट वाले एडजेक्टिव क्लाज, नाउन क्लाज, एडवर्ब क्लाज तीनों हो सकते हैं, कंडीशन अलग अलग है। दैट अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो एडजेक्टिव क्लाज हो जाएगा, और दैट अगर की के संदर्भ में आ रहा है या पर्पज बता रहा है तो ये एडवर्ब क्लाज हो जाएगा, और दैट अगर की इसके सेंस में आ रहा है तो भी ये नाउन क्लाज हो जाएगा। तो देखना होगा कि ये दैट क्या है। वी बिलीव दैट, हमें यकीन है कि, ये तो की वाला है, इसलिए ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये नाउन क्लाज होगा। और दूसरी बात कि ये इनडायरेक्ट के पैटर्न में है, ठीक है ना, तो ये नाउन क्लाज हो गया। कौन सा क्लाज हो गया, ये देखिए, ये एक नाउन क्लाज है। क्लियर होगा आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है भाई, इसमें बता रहे हैं कि विच इज पजेसिव प्रोनाउन, आपको क्या ढूंढना है, विच इज पजेसिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन क्या है। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होगा, आपको याद होना चाहिए, जब पजेसिव की बात आई थी, प्रोनाउन पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने पजेसिव पढ़ाया था, पजेसिव केस पढ़ाया था। पजेसिव केस मैंने ऐसे दो चीज़ें की थी, और मैंने कहा था एक तरफ होता है माई योर आर, ठीक है ना, ये सारी चीज, माई योर आर हिज हर, एक तरफ क्या चीज़ होती है, माइन है, योर्स है, आर्स है, ये चीज़ें हैं। तो माई वगैरह के बाद आप नाउन लगाते हैं, ज़रूरी होता है ना, माई, जैसे खाली माई लिख के छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा ना, माई बुक, माई फ्रेंड, माई फादर, माई मदर, ऐसे लिखा जाएगा। योर लिखा जाएगा, योर के बाद भी लिखा जाएगी, योर हाउस, योर कार, योर फ्रेंड। आर लिखा जाएगा तो यहाँ भी आर लिखा जाएगा, और कंट्री, ठीक है। तो आर के बाद, इन सब के बाद, ये जो इतने हैं, माई योर आर हिज हर, इन सब के बाद नाउन लगाना पड़ता है। अगर ये नाउन लगाना पड़ेगा इनके बाद, तो ये एडजेक्टिव होते हैं, इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। और माइन लिखा तो माइन के बाद नाउन नहीं लिखाना होता, जैसे माइन हाउस नहीं लिखा जाएगा, केवल माइन लिखा जाएगा। जैसे योर्स पेन नहीं लिखा जाएगा, केवल योर्स लिखा जाएगा। तो चूंकि इसके बाद नाउन नहीं लगना है, ठीक, ये इन सब के बाद नाउन नहीं लगाया जाता, इसलिए इनको प्रोनाउन कहा जाता है, और इन सब के बाद नाउन लगाया जाता है, इसलिए इनको एडजेक्टिव कहा जाता है। बस नाम क्या होगा, पजेसिव नाउन या पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन। तो इसमें यू क्या हो गया, यू तो नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये नॉमिनेटिव होगा या तो फिर ऑब्जेक्टिव होगा। माई क्या है, माई है तो पजेसिव, लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव ना हो करके, सॉरी, पजेसिव प्रोनाउन ना हो करके ये पजेसिव एडजेक्टिव है। योर्स क्या है, योर्स के बाद आप नाउन नहीं लगाएंगे, तो चूंकि योर्स के बाद नाउन नहीं लगाएंगे, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और आई क्या हो गया, ये नॉमिनेटिव हो गया पूरी तरह से। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, सी हुआ। कई लोग कन्फ्यूज कर गए होंगे, मुझे यकीन है बहुत से लोग माई को पजेसिव प्रोनाउन लगाए होंगे। बेटा माई पजेसिव प्रोनाउन नहीं हो सकता, बिकॉज माई नीड्स अ नाउन आफ्टर इट, माई के बाद नाउन की ज़रूरत पड़ती है, और जिसके बाद नाउन लगता है वो एडजेक्टिव कहा जाता है। जो नाउन के पहले लगता है, नाउन की विशेषता बताता है, वो एडजेक्टिव होता है। और ये जो योर्स है, इसके बाद नाउन नहीं आता, ये नाउन की जगह पर आता है, इसलिए योर्स जो है वो प्रोनाउन है, बस, ठीक है। दोनों पजेसिव दोनों हैं, ठीक है, पजेसिव दोनों हैं, ये भी पजेसिव है, ये भी पजेसिव है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है
और ये पजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि फेमिनिन ऑफ फॉक्स, फॉक्स का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? तो आपको पता होता है, पता होगा कि फॉक्स जो है ना वो मास्कुलिन जेंडर होता है, लूमड़ कहते हैं इसको, और विक्सन क्या होती है? विक्सन होती है लोमड़ी, इसको क्या कहें? ये फीमेल है। तो फॉक्स की जो फीमेल है वो विक्सन होती है, ठीक है ना, फॉक्सन नहीं होता है ना, फॉक्सी होता है, और फॉक्सस में नहीं होगा, ठीक है ना, ये क्या होगी? विक्सन होगी। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़िए। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन एडजेक्टिव, इसमें से एडजेक्टिव कौन नहीं हो सकता? देखिए वेरी है, वेरी एडजेक्टिव हो सकता है, बैडली है, बैडली पूरी तरह से एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता है, तो ये हमारा आंसर हुआ। फास्ट भी एडजेक्टिव हो सकता है, हार्ड भी एडजेक्टिव हो सकता है, कैसे हो सकता है अगर आप जानना चाहो तो बता दो। जैसे वेरी का मतलब होता है वही, और एक वेरी का मतलब होता है बहुत, दो मतलब होते हैं, एक वेरी का मतलब वही हुआ और एक वेरी का मतलब बहुत हुआ। तो अगर बहुत है तब तो ये एडवर्ब है, जैसे सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मान लीजिए आप कह रहे हैं वेरी ब्यूटीफुल, तो बहुत खूबसूरत हो गया, ठीक है, तब ये क्या हो गया? तब ये एडवर्ब है। अगर कहीं लिखा हो वेरी गर्ल, वेरी गर्ल का मतलब क्या हुआ? वेरी गर्ल का मतलब हो गया ये वही लड़की है, ये वही लड़की है, लड़की के पहले वेरी लगा दिया, नाउन के पहले, मतलब नाउन के पहले अगर वेरी लगा होगा तो वही का सेंस देगा, और ये इम्फैटिक एडजेक्टिव हो जाता है, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, ये आंसर होगा नहीं, ठीक है। रही बात फास्ट की, तो देखो फास्ट क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो फास्ट बॉलर, ठीक है, ये हो गया फास्ट बॉलर, और दूसरा हम कहें कि ही रैन फास्ट, तो रैन फास्ट में ये दौड़ने का तरीका हो गया फास्ट, तो ये फास्ट एडवर्ब हो गया, और बॉलर क्या है? बॉलर नाउन है, उसके पहले फास्ट हो गया तो हो गया तेज़ बॉलर, तो बॉलर नाउन है, नाउन के पहले फास्ट लगाओगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, मतलब फास्ट भी एडजेक्टिव हो सकता है, वेरी भी एडजेक्टिव हो सकता है। अब रही बात हार्ड की, अगर हार्ड को वर्क के बाद हार्ड लगाते हैं तो वर्क हार्ड का मतलब क्या हुआ? खूब मेहनत करो, और कहीं लिखा है हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन, तो हार्ड क्वेश्चन का मतलब हो गया कठिन सवाल, तो ये नाउन के पहले हार्ड लगा दिया तो कठिन हो गया, तब ये एडजेक्टिव हो सकता है। तो तीन के तीनों, ये वेरी भी, फास्ट भी, हार्ड भी, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हैं। फास्ट है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, वेरी है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, केवल यही बैडली है जो केवल एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव नहीं बन सकता है, इसलिए ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, और ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है, यहाँ पर एक सुटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या लगाना है अब ये पढ़ने के बाद पता चलेगा। क्वेश्चन पढ़िए, द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त का बड़ा भाई है, डील्स डैश रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है, तो डील के साथ कितने प्रीपोजिशन लगते हैं? डील के साथ तीन प्रीपोजिशन लगता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन का मामला है, एक लगता है डील के साथ विद, एक लगता है डील के साथ इन, और एक डील के साथ लगता है आउट। अब कैसे होगा? डील विद आता है समबड़ी, किसी पर्सन के साथ, डॉक्टर पेशेंट के साथ कैसे डील करता है? विद लगेगा, दुकानदार शॉपकीपर अपने क्लाइंट के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ कैसे डील करता है? विद लगेगा, एक कोई एजेंट है LIC का एजेंट है अपने क्लाइंट के साथ कैसे डील करता है, वो कैसे, उसमें क्या लगेगा? विद। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे डील करता है, तो डील विद, मतलब अब किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो डील विद लगेगा। अब डील इन लगता है समथिंग, ये खरीदने बेचने के लिए लगता है, कोई दुकानदार क्या चीज़ें बेचता है, जैसे कोई दुकानदार रेडीमेड गारमेंट्स की चीज़ें बेचता है तो डील के साथ इन लगाना पड़ता है, हमारी चीज़ें बेचने की वस्तुएं अगर लगा है तो डील इन लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड डील्स इन रेडीमेड गारमेंट्स, क्या लगेगा? डील्स इन रेडीमेड गारमेंट्स। और आउट तब लगता है जब हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, तो डील आउट का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट करना, चीज़ों को वितरित करना, बांटना,
ठीक है, तब डिस्ट्रीब्यूट के सेंस में डील आउट लगता है। और जो हमारा करंट रेफरेंस है, माय एल्डर ब्रदर ऑफ माय फ्रेंड डील्स डैश रेडीमेड गारमेंट्स, यहाँ बेचने का सेंस है, इसलिए डील्स के साथ इन लगाना होगा। आपका आंसर होगा सी। तो इस तरह से आज के हमारे ये 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और सेट नंबर 8 के 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके, अब सेट नंबर 9 के 10 क्वेश्चन आपका वेट कर रहे हैं, और कल परसों में उसको भी अपलोड कर दूंगा, और वो बहुत मज़ेदार बनाया हूँ, एक तरह से चैलेंजिंग है, मज़ा आएगी आपको सेट नंबर 9 करने में, ठीक है। बड़ी सहूलियत से, बड़ी फुर्सत से बनाया हूँ उसे। तो फिर मिलेंगे हम लोग सेट नंबर 9 में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।